उन्होंने प्लास्टिक बैन को लागू नहीं किया है, उन्होंने जो है वो प्लास्टिक पे 50 माइक्रोन से कम गेज की प्लास्टिक पे प्रतिबंध लगाया है। जैसे कि जो पतली पॉलीथीन होती है वो नालियों में और इधर उधर गंदगी जो फैला रही है उसके ऊपर यूपी गवर्नमेंट ने कदम उठाया है। हम इसकी सराहना करते हैं कि 50 माइक्रोन से कम गेज की पॉलीथीन पूरी तरीके से बैन होनी चाहिए, क्योंकि लिफाफा जो कि मतलब जिसको कूड़े वाला भी नहीं उठाता है अगर, तो वो किसी काम का नहीं है। अगर वो सड़क से नहीं उठेगा, कूड़े वाला नहीं उठाएगा, तो गंदगी बढ़ेगी। और 50 माइक्रोन से ऊपर की पॉलीथीन चल रही है, इस चीज़ की मैं सराहना करता हूँ कि मतलब अच्छा है कि चल रही है 50 माइक्रोन से ऊपर, और हम लोग पूरी कोशिश ये करेंगे कि आगे 50 माइक्रोन से ऊपर की ही पॉलीथीन चलाएं और 50 माइक्रोन से ऊपर का ही सारा काम करें। आप दूसरी तरफ कहते हो कि भाई पेपर बैग चलाओ, पेपर बैग एनवायरनमेंट को और ख़राब करेगा। भाई पेपर कहाँ से बनता है? पेड़ काटोगे, एनवायरनमेंट कहाँ से बचा? पेड़ काट के ही तो कागज़ बनेगा आपके, तो कागज़ के झोले चला दो। इससे अच्छा है जो पुराना ज़माना था, आदमी घर से झोला लेके चलता था कपड़े का, वैसे लेके चले। या तो जब बिकेगा ही नहीं तो आदमी बनाएगा ही नहीं उसको। पॉलीथीन बंद हो जाने से एक तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी, हजारों लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएगा, और मतलब जो घरेलू महिलाओं को जो एक समस्या होती है, आजकल चलन में आ गया है कि मतलब घर से झोला लेके नहीं चलना, उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई। दिक्कतें भी होंगी, लेकिन जो सरकार ने ये योजना लगाई है इससे मतलब कुछ लाभ भी हैं। ऐसा नहीं कि मतलब केवल नुकसान ही नुकसान है, लाभ भी हैं। जो हमारी मतलब ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है उसके लिए भी लाभदायक भी है। तो मतलब पूर्णतया अगर उसको बंद करना तो पूरी शक्ति के साथ पूर्णतया बंद कराई जाए।